हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आपका भाई गौरव डडप फिर एक बार आपके सामने आते हैं नए व्लॉग के साथ में। भाई अपना नहा धो के फिर एकदम रेडी हो चुके हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं और आज आपको गोवा की कुछ चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कराते हैं कुछ इस व्लॉग में, कुछ अगले व्लॉग में, मतलब दो तीन व्लॉग आ जाएंगे जो भी है। तो चलते हैं फिलहाल और आपको जो भी चीज़ें यहाँ की हैं वो सारी आपको एक्सप्लोर करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको भाई मैं अपना जो होटल है ना, जो अपना रिजॉर्ट है पूरा, इसको एक्सप्लोर करा देता हूँ। बढ़िया है एकदम यार, शानदार इधर का व्यू, इधर के मतलब सारी फैसिलिटीज़ वो बहुत बढ़िया है। तो आपको ही दिखाता हूँ। ये है भाई अपना पूरा रिजॉर्ट, इधर अपना स्विमिंग पूल वगैरह ये सारे रूम्स हो गए और वहाँ पे सामने रेस्टोरेंट हो गया। इधर पूरे देखोगे आप यहाँ पे भी सारे में रूम्स वगैरह सारी चीज़ें हैं और सामने अपना छोटा सा गार्डन बना हुआ है, उधर ही अपना बैठ भी सकते हैं। आपको चल के दिखाता हूँ एक बार। ये देखोगे भाई आप यहाँ पर पूरा ये इधर मतलब यहाँ पे तालाब टाइप बना रखा है इन्होंने, तालाब कह लो या जो थर्दी में वो कह लो, कुल मिलाकर पानी इंगे स्टोरेज कर रखा है भाई सारे में और बढ़िया एकदम बना रखा है इधर पूरा ही। अपना शाम के टाइम यहाँ पे आओ बैठो, टाइम स्पेंड करो, पूरा टेबल वगैरह सब चीज़ लगा रखे हैं, बेंच वगैरह बढ़िया हो गया भाई, पूरा एकदम शानदार व्यू है भाई यहाँ पर, ये देख लो। तो अगर आप कभी आओ गोवा तो आप ट्राई कर सकते हो, बढ़िया रिजॉर्ट्स है यहाँ पे, सारे रूम्स वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी बढ़िया है। रूम्स के प्राइस की बात करें तो भाई अगर जैसे आप कपल आ रहे हो तो भाई कपल के लिए जो प्राइस है वो 3500 है, 4000 भी है और 4500 भी है। तो आओगे तो आपको इन तीन प्राइस में इधर मिल जाएंगे, मतलब रीजनेबल प्राइस है, ऐसा नहीं है कि आपको इधर मतलब बहुत महंगा पड़ेगा या कुछ भी है। फैसिलिटीज़ के हिसाब से बहुत बढ़िया है, स्विमिंग पूल है, जिम भी है, इसमें सारी चीज़ें हैं। रिजॉर्ट का नाम है मरीना डोराडा और एरिया पड़ता है ये अरपोरा, अरपोरा पड़ता है ना ये अरपोरा, बागा के पास, बागा के पास अरपोरा। चला जी, चलो जी, चलो निकलने से पहले एक बार जयकारा लगा देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शहीद देवताओं की जय, बोल बाबा मोहन राम की जय। ठीक है जी, तो निकलते हैं भाई यहाँ से। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के वेदर के बारे में। तो भाई वेदर की आपको मैं बताऊं, यहाँ पे अभी गर्मी है सही, बट हवा चलती रहती है तो उससे पता नहीं चल पाता इतना। बट हाँ भाई, दिन में थोड़ा सा घूमने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम भी देखो अब काफ़ी देर से अपना रूम से लेटे हुए थे, बट अभी निकले हैं रूम में से भी ये सोचते सोचते कि यार बाहर गर्मी होगी गर्मी होगी, पर मैंने कहा चलो कोई नहीं चलते हैं। आपको एक्सप्लोर कराते हैं गोवा की गलियाँ, ये देख लो भाई। तो भाई यहाँ पर लगा दिया हमें अपनी गाड़ी पार्किंग में। अगर आप जैसे इधर आओगे अपनी गाड़ी वाड़ी लेते हो घूमने फिरने के लिए, तो इधर बीच की साइड आने के लिए आप आ सकते हो और गाड़ी अपना पार्किंग में भी खड़ी कर सकते हो, सारी सुविधाएं यहाँ पे पार्किंग वार्किंग के लिए, ठीक है। तो रेट वगैरह पूछते हैं पार्किंग के पहले चल के। भैया पार्किंग 100 रुपये की, कितनी देर के लिए? 4 आवर्स। तो भाई हम आ चुके हैं इस टाइम अपना बीच पर और ये पूरा भाई बीच है यहाँ पे, एक ही रो में ना काफ़ी सारा बीच है, मरीन बीच, कलंगूट और इधर ही बागा बीच है, मतलब सारे जितने भी बीच है यहाँ पे सब लाइन से इधर ही हैं और नहीं भी अपना सारा राइट राइट सब चीज़ होती है। मैंने कहा चलो चलते हैं, सनसेट होने वाला है तो सनसेट का व्यू आपको दिखाएंगे और यहाँ का बीच का पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये है भाई पूरा बीच का व्यू इस टाइम, देखो ना सभी लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई राइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब तरीके से सब अपना अपना मस्त है इधर। बट जो रियल व्यू आएगा ना बीच का वो आता है बेसिकली रात में, जब लाइटिंग वाइटिंग होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे। अपना इधर सभी लोग अपना आकर बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो ड्रिंक करने वाले होते हैं वो अपना ड्रिंक करके इंजॉय करते हैं, कोई कैसे कोई कैसे। तो भैया ये है इधर का पूरा बीच का नज़ारा और ये सारे जो है ना आप वहाँ तक देखोगे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है पूरा ये सब टोटल जो है बीच के हैं, पर जितने भी आप देखोगे सारे।
ये है भाई पूरा नॉर्थ गोवा के बीच का व्यू, और बेसिकली जो सबसे फेमस बीच है इधर वो है बागा बीच। वो देखोगे आप सामने, आपको दिखेगा बागा बीच सबसे फेमस है। नागर साहब नाव आओ ना समुंदर में, समुंदर है और गंगनहर समुंदर ये कह दे यार। यू बागपतवाड़ी नहर देख ले, चल ना आप जी बेकड़ गंगा में चले गए। ओ जेरी नाव ले ले भैया गिर गए तो नहा तो लो या मैं चलो गंगा ही कह लो। यहाँ पर देखो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, मिट्टी में कोई कुछ बना रहा, कोई कुछ बना रहा, ये देख लो सब, मतलब जिसका भैया जैसा मन चल रहा अपना वैसा एंजॉय कर रहे सब तरीके से। देख लो भैया जी के पड़े हमारे सब का भैया माहौल, कोई कैसा मकान है कोई कैसा मकान है। हम भी जो राइड अगर आप ये देख रहे हो ना सारी, ये आज तो नहीं बट हम कल सुबह करेंगे राइड, जितनी भी आपको राइड इधर दिख रही है हम करेंगे कल। आज अपना बस ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए आ गए, मैंने कहा आपको दिखाते हैं पूरा व्यू इधर का। हाँ कैसा डरो कैसा डरो भैया ये ना माना कहा होगा अरे तो पौड़ी कैसा होती है ले जाएगा का पौड़ी रील बनाएंगे रील। हाँ बड़ा भाई बना रील, अरे समंदर के समंदर तो ये देख लो भाई सनसेट हो रहा है, समुंदर का बढ़िया नजारा एकदम सनसेट का। कमेंट जरूर करना भाई कैसा लगा आपको सनसेट, इसकी वजह से ना मैं काफी देर से यहाँ पर रुका हुआ था, मैंने कहा जब होगा तो आपको दिखा के ही चलूंगा पूरा पूरा। देखो क्या बढ़िया मौसम, वो देख लो सामने क्या बढ़िया लग रहा है यार गजब। शाम की तैयारी शुरू हो चुकी है, अपना साउंड म्यूजिक वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुके हैं, और इधर देख लो लाइट्स वगैरह सारी ऑन हो गए एकदम फुल रेडी। तो अब ये पूरी रात, मतलब रात अब आजकल ना जो यहाँ पे वो चल रहा है वो जल्दी बंद हो जाता है रात को, अभी फिलहाल जो भी इलेक्शन आ रहे हैं ना इलेक्शन के चक्कर में रात को 10:30 या 11 बजे तक ये बंद हो जाएगा। इधर बीच के बीच साइड जितने भी है ना ये सब ये सारे बंद हो जाएंगे रात को जल्दी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक। तो भाई अब हम जा रहे हैं क्रूज पार्टी करने के लिए, क्रूज पे हमारा पहला एक्सपीरियंस है ये भी, तो चलते हैं और आपको भी एक्सप्लोर करवाते हैं, और हम तो खैर करेंगे ही, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें उसमें होती है क्या क्या नहीं है। क्रूज के अगर चार्जेस की बात करें तो चार्जेस है भाई 1500 रुपये, किसी का 1800 रुपये, किसी का 1900 रुपये, किसी का 2000 रुपये, तो मैक्सिमम जो है 2500 रुपये है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ पे आओगे पानाजी में पड़ता है ये क्रूज का चार्ज जितना भी है, तो आप इसमें क्रूज में बफेट मिलता है और आपको ड्रिंक्स मिलते हैं दो, और मतलब डांस वांस के करने के लिए डीजे वीजे ये सब चीज़ें मिल जाती है। तो अगर आपको आना हो इन्जॉयमेंट के लिए बढ़िया है भाई ये भी, बाकी एक्सप्लोर करते हैं साथ में मिलकर सब। बेटे बेटे
sounds much better. On behalf of the captain of this vessel, the crew members, and we, the performing artists, I would like to welcome you all on Kalma Dinner Cruise. अब शुरुआत हो रही है भाई हमारे डांस की। मैंने कहा भाई थोड़ा बहुत हम भी डांस कर ले, जो बात है ऐसा था जो उधर एंकरिंग कर रही थी ना, उस लड़की ने बोला कि जितने भी मर्द हैं वो सारे आ जाओ। पहले तो कहाँ तो कोई नहीं जा रहा था, उसके बाद देख लो सब आ गए जितने एक्सपेक्ट करते हैं ना क्रूज से, तो सारे सारे आ गए डांस करने के लिए। फिर जब एक बार शुरू हो जाएगा तो तुम्हें पता तुम्हारा भाई पीछे हटता नहीं है, फिर तो खत्म करके जाएंगे पूरा। भाई हम आए मैंने जब चलो एक हरियाणवी गाना भी चलाया तो बड़ी रिक्वेस्ट करके गाना चला है वो भी ये। तो भाई डीजे पार्टी ओवर होने के बाद होती है अपने खाने की शुरुआत। तो सभी लोग देख रहे लाइन में लगकर अपना खाना वाना ले रहे हैं इधर, और अब खाना वाना खाएंगे और फिर अपना निकलेंगे। क्रूज के खाने में मिल रहा है पनीर है, छोले हैं, चावल है, रोटी सब्जी भी है, बट मैं वो नहीं ले गया, मैं सिर्फ चावल चावल लिया भाई। तो ये है भाई इसमें अनलिमिटेड खाना, इसको जितना खाना हो वो खा सकता है। तो भाई देखो अब कर लेते हैं खाने को लेकर के बात। वैसे सही बताऊं भाई 1500 रुपये का हमारा पर पर्सन का था उसमें, तो भाई मेरे को तो 1% व्यर्थ नहीं लगा बिल्कुल भी, टोटली ऐसा लगा कि यार बस कोई नहीं चलो गए अपना एंजॉय करके आगे थोड़ा सा डांस वांस करके। हाँ भाई नहीं हमारी तरफ से तो बिल्कुल भैया, हमारी प्रदीप बताएगा, मेरी तरफ से तो पैसे वेस्ट है, व्यर्थ है, खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं था। खाने में मतलब ऐसा लग रही है वो एक्टिविटी सिर्फ 500 रुपए की एक्टिविटी थी, 1500 में करके आए और एक्टिविटी भी कुछ नहीं थी, वो एक्टिविटी भी कुछ नहीं यार ये लगा ना डेढ़ घंटे तो हमारे लोग यहाँ पे लुटते हैं, जो बात है भाई बिल्कुल। देखो अगर आप आ रहे हो तो भाई यहाँ के है ना नामी जो दो चार हैं पैराडाइज वगैरह, देखो उसमें शायद जाके शायद उसमें कुछ अच्छा हो, बट देखो ये जो भी था इसमें तो मेरे को भाई बिल्कुल वर्थ नहीं लगा है। कैसीनो में जाए, हाँ क्रूज के घूमने पे और खाने पे ना जाए, बिल्कुल भाई बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा आप इंजॉय भी कर पाओगे सौ चीजें है तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। यहाँ से ज्यादा एक्टिविटी देखने को आएंगी वहाँ, बेली डांस वगैरह कई चीजें नई नई, कैसीनो के अंदर कई चीजें नई नई देखने को आएंगी। अनलिमिटेड फूड खाओगे, अनलिमिटेड क्या खाएंगे उसे, अरे अनलिमिटेड इन द सेंस की क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, दोनों ये बात तो है। अगर तो भाई देखो अगर आना हो तो भाई आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो भाई मेरे को तो देखो वो कर टोटली तो नहीं कह सकते, बट हाँ यार 20% वर्थ था, बाकी 80% पसंद नहीं आया भाई बिल्कुल भी, जो बात है क्रूज का सिस्टम। और भाई अब पहुँचते हैं होटल और पहुँच के अपना कर देते हैं इस ब्लॉग को भी यही एंड, और कल मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। और जिन जिन लोगों ने भाई अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर और शेयर कर दो दबा के, अब कर दो जय श्री राम। जय
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मरे पटे कतई लेट रही थी पीछे।